देवी और सज्जन, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के फिर सम्मुख आए हैं। इसी के नाम तो जिंदगी है, कभी धूप कभी छांव, कभी हम हैं कभी नहीं। जैसे दिन होता है वैसा रात भी होता है, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी में क्यों पूरे ये दुनिया में कुछ चीज एक समानता नहीं रहता है। तब भी लोग हम मैं करते हैं। क्या है हम? जब जिंदगी शुरू किया था ये प्रोग्राम, तो मुझे कुछ विचार आया था कि पूरा विश्व में कोई भी चीज जब समानता नहीं है, प्रकृति में भी परिवर्तन होते हैं तो मनुष्य की जिंदगी में भी होगा, ये तो आम बात है। और मनुष्य की जिंदगी जैसे बदलता है, उसका मन की विचार बदलता है, इसीलिए उसका जिंदगी में परिवर्तन आता है। क्योंकि एक बार आप सोच के देखिए, हमारा मन के विचार का जब परिवर्तन आता है तभी एक इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आते रहते हैं। यही प्रकृति का नियम है और ये नियम हम आम तौर पर बाहर की नजर से देखते हैं कि वो बदल गया, वो इंसान ऐसा था वैसा बन गया, वो इंसान बहुत अहंकारी हो गया, वो बहुत अमीर आदमी बन गया, वो बहुत गरीब हो गए। क्या है ये? तो परिवर्तन है जिंदगी का, और ये परिवर्तन हर जिंदगी में आने वाला है, क्योंकि हमारी जिंदगी भी प्रकृति का एक अंश है, पार्ट है। ये समझना चाहिए हम लोगों को, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं। हम है, हम ये नहीं करते हैं, हम ये पसंद नहीं करते। क्यों? आप भगवान है? आप कौन है? एक आम आदमी है। इतना ऊंचे ऊंचे बात क्यों? आप में ये अहंकार आने का कारण कभी पूछा है खुद से? अपने आप से पूछिए, मुझ में ये अहंकार क्यों? ये अहंकार आपके नहीं है, दूसरे किसी का बल खुद पर लाने के लिए उसका अहंकार दिखाते हैं। आपका पीछे बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े आदमी है तो आप भी सीना 56 इंच हो गया। जानते हैं हम किस लोगों से उठते बैठते हैं? क्यों? आप जमराज से उठते बैठते हैं? आप स्वयं ब्रह्मा जी से मिलते हैं क्या? आप जिसके बदौलत ताकत दिखा रहे हैं वो भी तो एक आम इंसान है, वो भी तो किसी न किसी का ताकत से वो दिखा रहे हैं, मतलब ये अहंकार आपका दिखावा है। आपका पीछे एक बड़ा नेता की हाथ है, जानते हैं वो नेता से उठक बैठक है हमारा। अब ऐसा बात मत करो, एक मिनट में खत्म हो जाएंगे, हवा कर दूंगा, ऐसे ऐसे बातें होते रहते देखते हैं अक्सर। आपका कोई दोस्त अमीर आदमी है, जानते हैं वो हमारा दोस्त है, मेरे साथ ऐसा बात मत कीजिए कुछ हो जाएगा, मतलब अपने आपको बहुत ताकतवर समझने लगे। एक बार जरा गहरी सोच में सोचिए, मतलब आप जो अहंकार दिखा रहे हैं आप में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। कुछ लोग कुछ साल के पहले जेल के अंदर अरेस्ट हो गए थे, हवालात में चले गए थे। वो खाली मंत्री का हाथ नहीं, खुद भी मंत्री थे, कुछ ऐसे मंत्री लोग भी अंदर हो गए थे कुछ कारण के लिए, शायद आप लोगों को पता होगा, ये न्यूज चैनल में
आप लोग देखे होंगे। तो वो खुद पॉलिटिक्स करने के बाद भी, उनका पीछे पीछे बड़े नेता होने के बाद भी जेल के हवालत में हवा खाने के लिए चला गया। क्यों बचाया नहीं? वो बड़ा बड़ा ताकत कहाँ चला गया? आपका अहंकार तब कहा था, जानते हैं मुझे, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, बहुत सारा आदमी बाजार में निकली, ऐसे बहुत बड़े गरम गरम बातें सुनाई पड़ेगा आपको। जानते हैं क्या कर सकते हैं, एक घंटे में आपका खबर नहीं होगा, ऐसा आप भी सुने होंगे, आपका जिंदगी में किसी ने सुनाया होगा, कोई महापुरुष आया था। क्यों भाई इतना बड़े बड़े बात क्यों? ये खुद के लिए नहीं, दूसरा किसी का ताकत के लिए आप खुद को उनके पैरेलल समझ लिया, मतलब उनका ताकत है आप में भी है। ये है अहंकार। झूठा अहंकार, यह अहंकार शब्द ही झूठा है। अहंकार करो अपने ज्ञान की, अहंकार करो अपनी त्याग की, ये तो आप कह नहीं सकते। इसीलिए अहंकार मत कीजिए। आज है, 10 मिनट बाद नहीं रह सकते, किसलिए इतना अहंकार दिखा? एक झूठा शब्द है ये अहंकार। छोटा एक कहानी बताते हैं। रामलाल नाम से एक पंडित जी थे। सुबह नींद से उठने के बाद से शुरू करके रात को सोने तक भगवान के नाम लेते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे 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 राम, सारा दिन हरि के नाम लेकर जप तप करते थे, और बीच बीच में कहते थे, हे भगवान हे प्रभु, मुझे ऐसा कुछ दिला दो जो मेरा अभाव ना रहे, कोई दुख ना रहे। तो मतलब आप भगवान को शरण करते हैं अपना कुछ स्वार्थ की बातें पूरी करने के लिए। दिखावा है कि नहीं? मैं अगर गलत साबित हुआ तो ये जिंदगी उग्रम बंद कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको। मैं जब सोचा मेरा बात का गलत साबित हुआ तो आपको सोचना पड़ेगा ना। एक इंसान पंडित जी रामलाल सुबह से रात तक वो प्रभु के नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण, और बीच बीच में प्रभु जी से चीजें मांग रहे हैं, प्रभु मेरा एक घर बना दो, मेरा घर जब बहुत गरीब आदमी हूँ, प्रभु मेरा बीवी के लिए एक नेकलेस बंदोबस्त कर दो प्रभु। तो प्रभु से मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। तो एक दिन अचानक, अभी तो ये कहानी का क्लाइमेक्स आएगा, जरा ध्यान से सुनिए, कहानी बड़ा मजेदार है, सुनिए। तो रामलाल तो दिन रात प्रभु जी से एकदम नाता जोड़ लिया है, प्रभा हे प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं है प्रभु, कुछ बना दो मुझे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो अचानक उनका घर के बाजू में एक क्रिश्चियन आदमी था, पीटर जी। तो पीटर डिसूजा एक शराबी आदमी, दिन रात शराब पीते रहते, बूंद रहता है वो, जैसे भगवान के नाम लेते हैं सुबह से उठकर रात तक। अरे पीटर डिसूजा सुबह से रात तक दारू पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, बूंद रहते हैं। तो पूरा इलाका उनको जानते हैं शराबी के नाम पर, पीटर डिसूजा खराब आदमी है, दारू पीते रहते हैं, गाली बकते हैं। तो एक दिन अचानक सुबह से रामलाल जी देखा कि बहुत गाना बजाना हो रहा है, माइक बज रहा है, बॉक्स बज रहा है, साउंड बॉक्स पीटर की घर में। तो खिड़की खोल के देखा, पूछा कि भाई ये शराबी पीटर का घर में इतना गाना बजाना क्यों रहा है? तो पड़ोस वाले और एक पड़ोस वाले कहा, क्यों पंडित जी आपको पता नहीं है उनको लॉटरी लग गया, लॉटरी लगा पीटर को, वो शराबी को, तो
तो ये बात सुनने के बाद खिड़की बंद करके फिर प्रभु जी के सामने, हे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, मैं दिन से रात तक आपका नाम जप कर रहा हूँ, खाना कभी खा के कभी बिना खा के इतना दिल से आपको बुलाता हूँ हर रोज, मुझे 10 रुपया नहीं लगा आज तक, और वो बाजू वाले शराबी दिन रात शराब पीते हैं, कभी भगवान के नाम पूछता ही नहीं है, गाली गलौज बकते हैं, और उनका लॉटरी लग गया। तो रामलाल ने कहा, प्रभु ये विचार आपने ठीक नहीं किया। तो प्रभु जी देखा, अरे लाम लाम तो मेरा दिमाग खा लेगा, अचानक सामने आ गया, बोलो रामलाल तुम्हारा कुछ डिमांड है, कुछ कह रहे थे मुझे, व्हाट डू यू वांट। भगवान ने आके कहा, प्रभु कृष्ण जी। तब रामलाल ने कहा, प्रभु ये कैसा विचार हुआ, मैं इतना बड़ा भक्त हूं आपको, आज भी वही मेरा टूटा फूटा घर में मैं बैठा हूं, और वो शराबी पीटर को लॉटरी लग गई है, ठीक हुआ। बोला देखो रामलाल, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, आप तो कुछ नहीं करते हो, आप मेरे सामने बैठ के प्रभु जी हरे कृष्ण और मांगते रहते हो, मैं तो परेशान हो गया तुम्हारा मांगने से। तो बोला ठीक है प्रभु, आप परेशान हो गए, गुस्सा है मुझ पर, मत दीजिए, लेकिन वो शराबी को क्यों दिया। रामलाल लॉटरी पाने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ता है, पीटर ने टिकट खरीदा इसीलिए ना उसको मिला, तुम तो कुछ नहीं करते। तो मॉरल स्टोरी का ये लाइन यही है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो शराबी हो सकता है लेकिन वो लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं छोड़ा, खरीदते हैं। अब आप लोग ये मत करना शुरू कर दीजिए काल से कि काम धाम बंद करके लॉटरी का टिकट खरीदे, लेकिन किसी ना किसी को तो लग जाता है, वो तो करते हैं, वो तो मेहनत है, खाली प्रभु के सामने बैठकर हरे कृष्ण या प्रभु के कोई भी नाम जप करने से कुछ नहीं होता है, हैव टू नीड्स वर्कआउट, कुछ करना चाहिए, जिंदगी को बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, खाली मैं वो हूं, ये हूं, मैं वो हूं, मैं प्रभु का भक्त हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, क्यों भाई डायरेक्ट प्रभु से फोन में एसटीडी में बात होता है क्या आपको। हम लोग सभी एक समान है, ज्यादा पूजा पाठ करने से ही प्रभु हमारे नजदीक करीबी नहीं हो जाएगा, ये आपको समझना है। देखते रहिए जिंदगी, एक एक कहानी में जिंदगी है, लेकिन गौर से सुनना पड़ेगा, ध्यान से तन मन से, फिर आते रहेंगे, फिर सुनाएंगे ऐसी कहानी। आज के लिए नमस्कार।